टिक्का है, हरियाली टिक्का है, तंदूरी चिकन है और काली मिर्च चिकन है। काली मिर्च चिकन उसके अंदर थोड़ा बनता है, चिकन सीख कबाब बनता है, मटन सीख कबाब है। आप क्या बनाते हो? मैं बेवकूफ बनाता हूँ जी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? और मैंने कहा था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। अगेन एक महीने से हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है, क्योंकि इसके एग्जाम्स चल रहे थे बिचारी के, तो बहुत स्ट्रेस था इसको, तो इसके साथ मुझे भी स्ट्रेस था, तो हम दिन रात बेचारे दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे थे। तो अब एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म, और अब हम कोशिश करेंगे कि हम डेली ब्लॉग्स बना सके। और इसे तुझे क्यों हंसी आ रही है? छोड़ो, इग्नोर। सो गाइस, और मैंने एक और चीज देखी कि इस दौरान एक भी नया सब्सक्राइबर नहीं आया है। सो गाइस प्लीज, दिस इज नॉट डन। हाँ, तो कृपया करें चैनल को शेयर करें, और बाकी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन तो मस्ट है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट कौन सा? देहरादून वालों का तो सिर्फ एक ही मार्केट है, पलटन बाजार। तो आज मैं आपको सैर कराती हूँ पलटन बाजार की, और उन लोगों को जिन्होंने देहरादून नहीं देखा है या यहाँ का पलटन बाजार नहीं देखा है, तो आप सबके लिए भी आज हम आपको अपना प्यारा सा पलटन बाजार दिखाएंगे। तो अभी हम आए हैं पलटन बाजार। कितने साल बाद आए हो? बहुत, 3 साल बाद। और अभी हम पार्किंग में, अब हम अंदर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है अपनी तहसील वाली जगह, जो कि काफ़ी चौड़ी हो गई है, बहुत चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे, बट यहाँ से बाहर निकलने में ही भलाई है, बहुत भीड़ है। अब मैं जा रही हूँ लक्ष्मी वाले के यहाँ, एंड मोस्टली दून में सबको पता होगा कि लक्ष्मी वाले के यहाँ क्या मिलता है। और अभी मैं जाती हूँ लक्ष्मी में, और फिर वहाँ से आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ जाके क्या क्या खाने वाली हूँ। सो फाइनली अब मैं पहुँच चुकी हूँ लक्ष्मी वाले के यहाँ, और भाई ये पता है हमारे दादा लोगों के टाइम से है ये शॉप यहाँ पे, एंड सेम वही ओल्ड शॉप लेकिन लजीज खाना। हम बैठे हैं लक्ष्मी वाले के यहाँ, और हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है साउथ इंडियन फूड। क्या खाओगे? डोसा। पहले आए हो? पहले आए हो? बहुत अच्छे, बचपन से आए। और गाइस हमारा डोसा आ चुका है विद इन 3 मिनट्स, इतनी फास्ट सर्विस है लोगों की, है ना? अच्छे 3 मिनट के अंदर आ गया। सो गाइस, डोसा एंड ऑल लक्ष्मी क्या हम लोग निपटा चुके हैं, और अब जो डेजर्ट वाला आइटम है ना, उसके लिए हम जा रहे हैं गुलाब जामुन खाने, जो कि पलटन बाजार में एक शॉप है, वहाँ के बहुत ही फेमस है, एंड आप में से मोस्टली सभी को पता होगा जो देहरादून से है। तो चलिए सीधा चलते हैं गुलाब जामुन वाली शॉप। सो गाइस, ये है सामने रोशन स्वीट शॉप, और ये भी बहुत पुरानी शॉप है, एंड यहाँ के गुलाब जामुन बहुत फेमस है, और वैसे मैं मीठा खाती नहीं लेकिन ये ज़रूर खाऊँगी। मार्केट एंड ऑल निपटाने के बाद अब काम पे आ चुके हैं, और अब मैं आ गई हूँ पिज़्ज़ा इटालिया, और अभी मैं हूँ नींबू वाला वाले स्टोर में। और ये वाला स्टोर मैंने अभी तक अपने किसी व्लॉग में नहीं दिखाया है, ये नींबू वाला गड़ी कैंट में है। तो चलिए आज मैं आपको ये अंदर से दिखाती हूँ कि ये स्टोर कैसा दिखता है। सो ये है पिज़्ज़ा इटालिया नींबू वाला, और ये वाली जो रोड है ये सीधा आगे जाके डाकरा बाजार जो है वहाँ मिलती है,
और ये पूरी मेन रोड है, और ये जो सीधी रोड है ये जा रही है ONGC और सिनर्जी हॉस्पिटल की तरफ। और जी ये रही इसकी एंट्रेंस। ये है नींबू वाला स्टोर, और किस किस ने ये स्टोर देखा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना। सो नींबू वाला से अब सवारी जा रही है DSI, और वहां जाके ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाते क्योंकि वहां पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आर्मी एरिया है इस वजह से, लेकिन जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहे व्लॉग में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब वाला जो फंडा है ना वो तो करना ही करना है। ओके सो ये है DSI और ये है पार्किंग एरिया, और ये बहुत ही पीसफुल जगह है। जब आपको शांति से बैठ के काम करना हो ना तो ऐसे किसी एरिया में आ जाना चाहिए। और ये है पूरा गोल्फ एरिया, और सामने देखो मसूरी के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत लाइट दिख रहे हैं बट हैं। सो ये है हमारा कैफेटेरिया DSI, और ये कैफेटेरिया है, बाकी किचन अंदर है। और ये है यहाँ पे स्विंग्स एरिया बच्चों के लिए। आप क्यों आ रहे? नहीं लग रहा मैं। हाँ क्यों रे आप? आपको कौन ले रहा ब्लॉग में? नहीं चल चल रही है। हाँ और ले भाई वो। अरे कहीं आप मैं सब रहा मार रहा हूँ ऐसे सारा वो देख रहा हूँ ऑन है वो वहाँ पे चल रहा है। तो गाइज अभी जो आपने एक अजीब से प्राणी देखे वो हमारे हेड शेफ थे, और अभी मैं जा रही हूँ मेन किचन के अंदर, तो मैं वहाँ आपको सब दिखाती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे बनता है। ये है दिस इज ए चिकन टिक्का। ये जाएगा तंदूर के अंदर, फिर निकलेगा थोड़ी देर के बाद। और इसमें धुआं भी आ रहा है। ठीक है जी। इसमें चपाती भी लगती है, नान भी लगते हैं, बटर नान भी है, लच्छा पराठा है, मिश्री रोटी है, खस्ता रोटी है, पनीर टिक्का है, चिका है, हरियाली टिक्का है, तंदूरी चिकन है, और काली मिर्च चिकन है। काली मिर्च चिकन उसके अंदर थोड़ा बनता है। चिकन सीख कबाब बनता है, मटन सीख कबाब है। आप क्या बनाते हो? मैं बेवकूफ बनाता हूँ जी। ये तो सही कहा आपने, बड़े कहा। पर ना आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, पता है आपको भी कैमरे में? मेरी स्किन मतलब फेस स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। और अभी यहाँ पे सब लोग बिजी हैं क्योंकि आज यहाँ पे पार्टी है, तो सब लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मटन रोगन जो इसे खा के आता है जो नहीं कहाँ है मटन? अच्छा आवाज नहीं आई यार। अब बोलो ये बातें बनाने के अलावा सिज़लर बनाना भी जानते हैं? हम सिज़लर भी बहुत अच्छा बनाते हैं, बातें भी बनाते हैं। नॉन वेज सिज़लर है। ये डालो।
फिर आ गई। मैं ना अभी किचन से हट के बाहर आ गई हूँ थोड़ा, क्योंकि किचन में पार्टी की तैयारी चल रही है और जो भी बन रहा है ना, जो भी आइटम, थोड़ा थोड़ा टेस्ट टेस्ट करने के बहाने पूरा खा गई मैं सारा, तो इसलिए ज़्यादा ओवर ना हो जाए। तो मैं थोड़ा अभी जो ये गोल्फ़ एरिया यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है ना, पीछे तो पूरा अंधेरा है और इधर आज एक पार्टी है तो उसकी ही तैयारी चल रही है। और वेट लॉस की टिप्स तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन वेट गेन करने की टिप्स दे सकती हूँ। खाओ खाओ खाओ, ठूसो ठूसो मेरी तरह, और बस। सो गाइस, ये है कैफे एरिया। अभी जो हम जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो था पूरा किचन, जहाँ से मल्टी क्यूजिन फूड है वो बनता है। और ये कैफे एरिया है, यहाँ पे सिर्फ बेकरी आइटम्स, चाय वगैरह, मतलब क्विक बाइट्स टाइप जो आइटम है वो बनते हैं। तो अभी तो सब वहाँ पे व्यस्त हैं, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी। जिस जिसको पीनी है मत आओ, नहीं आ पाओगे। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन मस्ट। और हाँ, मैं बार बार जो सब्सक्राइब वाला जो चीज़ है, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द मेरे 2K होने वाले हैं। वैसे बहुत लेट हो गया है ना आप लोगों की वजह से ये 2K का सफ़र, बट बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ काम धाम निपटा के, पार्टी शार्टी निपटा के, अब फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और अब जाते हैं अंदर और अब आराम से सो जाते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं, सुबह से इधर उधर भागी रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।